क्या गुजरात में कांग्रेस का होने वाला है बुरा हाल? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी के पास आखिरकार कौन सी रणनीतियां हैं आगे आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के, और क्या कांग्रेस पार्टी के पास सच में कोई ऐसा रामबाण है जो कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया को पार लगा सकता है? दरअसल ये देखा जा रहा है कि हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी में हार्दिक पटेल का इस्तीफा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की नींद तो पहले ही उड़ा चुका है, तो वहीं इस वक्त कांग्रेस पार्टी को आने वाले हालातों को लेकर के भी चिंतन जारी है। कांग्रेस पार्टी में अलग अलग बैठकें की जा रही है, आने वाले चुनावों को लेकर के बीजेपी को कैसे हराना है, किन मुद्दों के बारे में बात करनी है, सभी के बारे में चर्चा भी हो रही है। लेकिन पिछली बार 77 से 78 सीटें अपने हाथ में रखने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार क्या इससे भी बुरा प्रदर्शन करेगी, इससे बेहतर प्रदर्शन करेगी, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने पिछली बार सरकार तो बना ली, लेकिन 92 सीटें चाहिए होती हैं बहुमत हासिल करने के लिए, 99 सीटें बीजेपी हासिल ही कर पाई थी, यानी बहुमत के आंकड़े से कुछ ही सीटें ज्यादा। ऐसा देखा गया कि 182 सीटों में से 78 सीटें कांग्रेस ने हासिल कर ली, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त हालात बनते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंतरकला कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल का कांग्रेस छोड़कर जाना, उसके बाद कपिल सिब्बल जैसे नेता का इस्तीफा, G23 नेताओं का लगातार पार्टी में बदलावों की मांग करना, और एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की चल रही अंतरकला कांग्रेस पार्टी को लगातार हिलाए हुए है। पहले ही कांग्रेस पार्टी को 5 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा है और आगे आने वाले 2 विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनमें हिमाचल विधानसभा चुनाव और गुजरात विधानसभा चुनाव शामिल है। अब देखना होगा कि जिस तरह से फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ चिंतन शिविर में से निकली हुई एक भारत जोड़ो यात्रा है जो 2024 के चुनावों को लेकर के की जा रही है, लेकिन विधानसभा चुनावों का क्या, क्योंकि विधानसभा चुनावों के नतीजे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल अदा जरूर करते हैं आने वाले लोकसभा चुनावों में, और अगर विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती कांग्रेस पार्टी की तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के ऊपर तलवार लटकती नजर जरूर आएगी। अब देखना होगा कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के पास कोई रणनीति है या कांग्रेस पार्टी इस बार भी खाली हाथ ही सियासी मैदान में उतरने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। नमस्कार।